दूसरी चीज, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर कोई बंदा रोजे की हालत में है और रोजे की हालत में उसने तसव्वुर के अंदर गलत ख्यालात सोचने शुरू कर दिए, दिल ही दिल में, दिमाग ही दिमाग में वो गंदे ख्यालात की दुनिया में चला गया और सारा कुछ जो होता है शहवत को, ख्वाहिश को पूरा करने का अमल वो अपने जहन में सोच रहा है, तसव्वुरात में चल रहे, और इतना ज्यादा उसका तसव्वुर जमा और ख्याल जमा कि उस बंदे को उस सोच विचार में, ख्याल में ही ये कैफियत पेश आ गई कि इंजाल हो गया और मादे मनी उसका बाहर निकल गया, खारिज हो गया। अब अगर ये सूरत पेश आई है तो इसमें भी याद रखिएगा कि रोजे पे फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा अदा हो जाएगा, रोजा नहीं टूटेगा यहां पर भी। यानी खाली सोच करके, तसव्वुर करके कोई गलत चीज अगर हमने सोची, गंदे ख्यालात आए और उसकी वजह से हमें ये इंजाल की कैफियत पेश आई तो उससे भी रोजा नहीं टूटा करता। इसी तरह तीसरी चीज के किसी बंदे ने रोजा रखा और रोजा रखने के बाद उसने बदनजरी की, बदनजरी का मतलब क्या है, किसी खातून पे नजर डाली, किसी औरत की तस्वीर देखी, चाहे वो अलग से बाहर कोई सामने उसके मौजूद है या मोबाइल के अंदर तस्वीर मौजूद है, उसने वो तस्वीर देखी और उस तस्वीर देखने से उसे इतनी शहवत हुई कि उसे इंजाल हो गया, यानी मादे मनी निकल गया, तो ऐसी सूरत में उसका अभी भी रोजा नहीं टूटेगा, रोजा उसका बाकी रहेगा। ये चीजें जरा जहन में रखिएगा क्योंकि अभी जब से ये रमजानुल मुबारक शुरू हुआ है और जो ये कैफियत हमारी रोजे की चल रही है, बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि जो बेचारे इन मसाइल के अंदर मुबतला हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो पूछ लेते हैं लेकिन बहुत सारे शर्म आती है कि पूछते ही नहीं है, मालूम ही बंदा नहीं कर पाता। लेकिन हमारे इल्म में रहना चाहिए और जहन में रखना चाहिए कि अगर ये सारी कैफियत पैदा हो तो हमारे रोजे का हुक्म क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर एहतिलाम की कैफियत यानी ख्वाब में अगर मादे मनी निकला तो उससे रोजे पे फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी को तसव्वुर में, ख्याल में उसके गंदे ख्यालात आए और उसकी वजह से उसका ये मादा निकल गया तो उससे भी रोजे पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी आदमी ने बदनजरी की, किसी खातून पे नजर वगैरह डाली और उससे ख्वाहिशात पैदा हुई और ये मादा निकल गया तो उससे भी रोजे पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रोजा अदा हो जाएगा। हाँ ये अलग बात है कि बदनजरी करना वो गुनाह है, गंदे ख्यालात सोचना वो एक गलत चीज है, मैं इस टॉपिक पे नहीं बात कर रहा, मैं उन चीजों को समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये चीजें हो गई तो रोजे के ऊपर हमारी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहां तक रोजे का मामला